आर यू एंजॉयिंग द गेम? बिकॉज ये जो हमने मुझे लगता है कि चार दिन साढ़े चार दिन की एग्नी उठाई है विद दिस बोरिंग टेस्ट मैच, वी आर ऑन आर फीट नाउ? बिल्कुल, ये अनएक्सपेक्टेड डिसीजन है क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट में इस तरह के आमतौर से फैसले होते नहीं. हम लोग ज़्यादा सेफ्टी फर्स्ट वाले ज़्यादा अंदाज में क्रिकेट खेलते हैं, लेकिन अब चूंकि T20 का दौर है और हो सकता है कि मुझे ये भी अंदेशा कह लें या मेरी ये भी गट फीलिंग है, मुमकिन है कि बाबर को कहीं और से कप्तान को इंस्ट्रक्शन आई हो कि इनिंग्स को डिक्लेयर कर दो और कुछ इसका गेम हो जाए. खालिद साहब, ये कोई और कौन हो सकता है जो कि इस वक्त इंस्ट्रक्शन ये पास कर सकता है? ये कहीं कहीं कोई और वही हो सकता, कमेटी तो नहीं है? वो भी हो सकते हैं, वो कोई कोई मैंने कहा ना, जो कोई क्रिकेट बोर्ड का ही बंदा कह सकता है, तभी उनको मतलब बाबर ना नहीं कर सके, वरना मेरे ख्याल है ये डिसीजन बहुत ज्यादा एडवेंचरस लगता है. एडवेंचरस डेफिनेटली ये डिसीजन है. बट खालिद साहब, एक चीज जो मैं बिल्कुल आपसे जानना चाहूंगी, वी टॉक अबाउट अग्रेशन, अग्रेसिव क्रिकेट, मगर हम फिर हमें टाइम लगता है, जैसे अभी खिजर आजम भी मौजूद थे हमारे साथ तो सब ये कह रहे थे कि ये अग्रेसिव डिसीजन नहीं है, ये बहुत जो है ये एक कोई इंसैनिटी वाला शायद डिसीजन ले लिया गया है. हमें शान मसूद रिवर्स स्वीप मारते हुए अगर आउट हो जाते हैं हम उस पर भी अग्री नहीं करते हैं, बट हम कहते हैं कि इंग्लैंड की तरह खेलो भाई, बैसबॉल खेल के दिखाओ, वो अप्रोच खेल के दिखाओ. किस तरफ बैठना चाहिए? कंफ्यूज्ड एज अ क्रिकेट एंथुजियास्ट, एज क्रिकेट फैंस, एज क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट फॉलोअर्स, कंफ्यूज तो हम भी हैं. देखें, बात यह है कि पाकिस्तान की क्रिकेट में बिल्कुल आपने सही कहा कि दिस इज समथिंग वेरी अनयूजुअल, समथिंग वी आर नॉट यूज टू, और कोई जरा कोई तेज खेलने में आउट हो जाए, जैसे अभी मैं आपकी भी स्लाइड पढ़ रहा था कि जिस तरह इमामुल हक आउट हुए तो आपने लिखा गैर जिम्मेदाराना शॉट, तो जाहिर है आजकल एग्रेसिव क्रिकेट है, लेकिन ये मसला ये है कि एग्रेसिव क्रिकेट और सुसाइडल क्रिकेट में थोड़ा फर्क है. तो अब देखते हैं कि किस तरीके से, और अगर लेकिन मेरे अभी अपना देख रहा था, जहाँ तक मेरी मेमोरी है, मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान इस किस्म की सिचुएशन से आज तक मेरी नहीं, मुझे लगता कि पाकिस्तान इस तरह का कोई मैच हारा हो जिसमें पाकिस्तान के सामने कोई अपोजिशन ने कोई टारगेट कोई इतने हाई लेवल का हो वो चेज किया हो. तो अगर न्यूजीलैंड जीत गई ये मैच, जिसके मुझे अभी भी लगता है चांसेस कम है कि हो सकता है बैड लाइट उनके आड़े आ जाए,